नमस्कार, मैं नीति सेन। शाबर डेयरी में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद, दिल्ली पुलिस को की शिकायत तो शराब माफियाओं ने तोड़ डाले युवक के पैर। सरेआम एक परिवार को शिकायत करने पर पीट डाला। मामला बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाबर डेयरी इलाके का है, जहां शराब माफियाओं ने अपना आतंक मचा रखा है। जब कोई उनकी शिकायत करता है तो शराब माफिया उस परिवार के साथ मारपीट कर देते हैं। इतना ही नहीं, शराब माफिया इस दौरान महिलाओं को भी नहीं बख्शते। महिलाओं के साथ भी मारपीट कर देते हैं, जबकि दिल्ली पुलिस को इस मामले की जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और इलाके में खुलेआम शराब बेचते हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। और आपके साथ क्या वारदात होती है, किस तरह का क्या अटैक किया गया? मेरा नाम फूलो राम है। हाँ, मेरे पर अटैक किया गया है क्योंकि ये शराब माफिया है जगदीश। मैंने इसके खिलाफ कंप्लेन किया, आवाज उठाया, बस उसी के बदौलत है जो मेरे कॉलोनी के ऊपर अटैक किया है। किस किसने अटैक किया आपके पास? जगदीश का बेटा था रिंकू और उसी के साथ में था दो तीन और, बस ये तीन चार आदमी मिलकर हमारे ऊपर रास्ते माचा। मैं काम पे जा रहा था और घात लगा के बैठा होगा, मुझे पता नहीं था कि कोई घात लगा के बैठा और मेरे ऊपर है जो पीछे से अचानक आज लठ बरसाना शुरू कर दिया। क्या चाहते थे वो? वो चाहता था कि यानी कि यहाँ हमारे खिलाफ क्यों ये आवाज़ उठाया, शराब के प्रति क्यों आवाज़ उठाया। लेकिन ये है जो हमारे घर के पास एक खाली यानी कि प्लाट में है जो एक अवैध रूप से कब्जा करके अवैध शराब का बिक्री कर रहा है, और वो रहता है हमारे घर से करीब 350 मीटर दूरी पे। और ये है जो रोज है जो शाम को है जो एकदम, आप समझ लो कि जितना लोग है जो यानी कि शौचालय नहीं जाता है सुबह को, उससे ज़्यादा यहाँ सुबह 4 बजे से लेके और सुबह रात को 2 बजे तक, सिर्फ 2 घंटा यानी कि बंद रहता है 2 बजे से 4 बजे तक, फिर 4 बजे से लेके फिर है जो 2 बजे तक है जो, मतलब ये 24 घंटा मान के चलो खुला ही रहता है। सोना हराम हो गया है यहाँ के, कोई आएगा कोई चिल्लाएगा, कोई गाली बकेगा, कोई कुछ करेगा। मेरे यहाँ पे 2 बेटी है, मेरे को डर लगा रहता है कि मेरी बेटी कैसा होगा घर पे, नहीं होगा। इस गली में सिर्फ है जो यानी कि मेरा एक है जो इस गली में मैं फैमिली लेके हूँ, और बाकी है जो दूसरी गली में पढ़ता है लेकिन वो तो आर में पढ़ जाता है। लेकिन मेरा तो बस हमारे घर से सिर्फ 11.5 फीट की दूरी पर है जो, मतलब धंधा हो रहा है। क्या धंधा हो रहा है? शराब का। तो वो क्या चाहते हैं कि आपके घर के पास शराब का व्यापार कर रहे हैं? वो चाहता है कि मैं इसका आंगन इसको आज नहीं दे के मैं जबरदस्ती लेकर इधर से गेट खोल के इधर से आज मैं शराब बेचूं। अच्छा। और मेरे का जो 11.5 फुट पर है जो यानी कि आप समझ लो कि हमारे घर से 11.5 फुट के दूरी पर, कितना दूरी होता है फैमिली लेके यहाँ पर है जो यानी कि कभी 20 का झुंड होता है, कभी 10 का झुंड होता है, हो सकता है तो कभी 25 का भी झुंड हो जाता है। अब बोलो उस जगह पे खुलेआम गाली गलोच यानी कि उल्टी पेशाब, मतलब नशा में तो आप समझते ही हो कि कुछ भी कर जाता है ये लोग। क्या नाम है आपका और यहाँ क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपके परिवार पे अटैक किया गया है? मेरा नाम बिंदु है। मैं यहाँ पर दारू बिकता था, उसके नाम से मैं कंप्लेंट भी करवाए थे इनके, मगर ये मेरा आंगन के बगल में प्लाट लेके अब मेरे साथ जबरदस्ती करने लग, जैसे ये जबरदस्ती मैं लूंगा प्लाट आंगन, मैं उसके रोक लगाया तो वो रोक के मतलब से मेरा पति परिवार अटैक कर गया। अब मैं रहती हूँ काम पर, भर दिन के मैं काम पर रहती हूँ, मेरे बच्चे सब यहाँ पर रहते हैं, मेरे लड़का निकलते हैं कभी हम निकलते हैं, सब पे मेरे धमकी देते हैं तुम्हारा बच्चे को उठा लूँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, ये मतलब क्या होता है इनके। इसलिए मैं आप चाहते हैं से इसका कार्रवाई करूँ, ये दारू के लिए रोज मेरे यहाँ पर चिढ़ा के दारू बेच रहे हैं। एक तो मेरे पति के मारे हैं और ऊपर से और चिरवाते हैं और आके यहाँ पे से रोज के दारू बेचता है। अब मैं रोज पुलिस वाले को फोन करती हूँ।
कौन लोग हैं और ये लोग क्या नाम है इनका, क्या करते हैं ये? ये जगदीश हैं। हाँ, जगदीश के तीन लड़का भी हैं, वो भी आते हैं यहाँ पर रहते हैं। और दिन जिस दिन मेरे पति का मारा, उस दिन मैं गया कहने के लिए, क्यों ऐसे अटैक किए, तो मेरा पकड़ के, मेरा भी कह रहे पकड़ इसका, और इसके धक्कम धुक्का में मेरा सूट उठ फाड़ दिया, पकड़ इसके भी बताऊं। और मेरे पति को मारा, फिर मैं गया कहने के लिए, देखकर मतलब मेरा भी मारे, ये क्या मतलब, इसका चाहिए क्या, ये सो तो बता दे ये।